अध्यक्ष महोदय वही हुआ जिसका डर था। भाजपा सदन में असली मुद्दे पे चर्चा करने से भाग गई, और मैं चाहता हूं ये ऑन रिकॉर्ड आए कि जब सदन संदीप कुमार की सीडी के बारे में चर्चा कर रहा था, जब सदन राजनीतिक मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहा था, जब सदन चारित्रिक मूल्यों के बारे में चर्चा कर रहा था, विजेंद्र गुप्ता और भाजपा के नेता इस सदन को छोड़कर भाग गए थे। ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए सदन के अंदर। और हमें यह डर था, ने कहा था कि तुम यहां नहीं रुकोगे, हमें मालूम है तुम अपने प्रस्ताव पे। और प्रस्ताव भी कैसा, इनके प्रस्ताव में आपने खुद कहा कि कोई रूल मेंशन नहीं था, उसके बाद भी आपने उसको अकोमोडेट किया है। गलत प्रस्ताव देने के बाद भी हमने कहा कि हम चर्चा कराएंगे, खुल के बात कराएंगे, और उसके बाद भी अपनी बात आधी रख के उसके बाद सदन के बीच से निकल के भाग गए। मेरे को लगता है कि आज भाजपा का पूरा चरित्र, पूरी की पूरी भाजपा की सच्चाई, और कितने सीरियस है ये महिलाओं के मुद्दों को लेकर, कितने सीरियस है ये राजनीति में चरित्र को लेकर, आज ये बिल्कुल सदन के सामने और पूरे देश के सामने आ गया है। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जरूर गुप्ता जी चाहते थे कि आशुतोष जी के बारे में चर्चा हो, शरद चौहान जी के ऊपर जो केस लगा उसके बारे में चर्चा हो, पंजाब में कोई बयान दे रहा उसके बारे में चर्चा हो, देवेंद्र सहरावत ने क्या कहा उसके बारे में चर्चा हो, लेकिन मैं कहता हूं मैं नहीं करूंगा इन सब चीजों के बारे में चर्चा। मैं नहीं करूंगा नरेंद्र मोदी आर्मी चलाने वाले टीनू जैन के बारे में चर्चा नहीं करूंगा आज, जो अभी दो दिन पहले सेक्स रैकेट चलाता हुआ पकड़ा गया, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के इनके प्रातः स्मरणीय राघव जी के बारे में, जो अपने नौकरों के साथ सेक्स करते हुए जिनकी सीडी पकड़ी गई, इनके वित्त मंत्री थे इनकी सरकार के, हम उनके बारे में भी आज चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा नहीं करेंगे भाजपा के गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल, जिनके ऊपर इस वक्त बलात्कार का केस चल रहा है और उनके कार्यकर्ताओं ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है। हम गोवा के उस भाजपा नेता की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अहमदाबाद जाते हुए फ्लाइट में एक 13 साल की लड़की के साथ यौन शोषण करता हुआ पकड़ा गया था, हम उसके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे। हम साहिबाबाद के भाजपा के उस मंडल अध्यक्ष की चर्चा भी नहीं करेंगे जो अपनी बेटी को भाजपा के सीनियर नेताओं के पास टिकट के लिए परोसता था और जिसके दामाद ने भाजपा के नेता की गोली मार के हत्या कर दी और थाने में जाके आत्मसमर्पण कर दिया कि भाजपा में टिकट के लिए उसकी खुद की बीबी को, उस नेता की बेटी को भेजा जाता था। हम उड़ीसा के इनके उस मंत्री मनमोहन सामाल के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे जो सेक्स स्कैंडल में पकड़े गए हैं, और निहाल चंद के बारे में भी नहीं चर्चा करेंगे। हम केवल चर्चा करेंगे उस बात की जिसका एफिडेविट हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया गया, एक सीनियर आईएएस अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। अगर गुप्ता जी यहां होते तो मैं एक बात कहता, दिल्ली में चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने एक बात कही थी, तुम हमारे बारे में जितना झूठ फैलाओगे हम उतना तुम्हारा सच इस देश के सामने लेके आएंगे, जितना झूठ बोलोगे हमारे बारे में हम उतना तुम्हारा सच उघाड़ेंगे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी का काला सच जो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने एफिडेविट के तौर पर जमा कराया है, आज उसको हम लोग यहां सामने लेके आए। आज उसकी बिल्कुल सही कहा मनीष जी ने, बड़े गुस्सा हो रहे थे विजेंद्र गुप्ता जी कि अरविंद केजरीवाल खूंटा गाड़ के बैठ गए, खूंटा गाड़ के बैठ गए। अरविंद केजरीवाल ने तो खूंटा गाड़ दिया और खूंटा गड़ गया, और दोपहर को पंजाब में खूंटा गाड़ा है, शाम होते होते अमित शाह का सूरत में तंबू उखड़ गया। जहां सच्चाई होती है वहां भगवान भी साथ देते हैं। धक्का मुक्की कर रहे थे कल सुबह स्टेशन पे अरविंद केजरीवाल जी के साथ, और इतना बड़ा पिंजरा अमित शाह के लिए बनाया था सूरत में, और ये सोचा कि इतने बड़े पिंजरे में जिसको रखेंगे उसको देखने के लिए 1 लाख आदमी तो आएगा, 5000 आदमी पहुंचा, 5000 का 5000 आदमी बीजेपी के पंडाल में उन कुर्सियों को ऐसे तोड़ रहा था जैसे भाजपा के घोषणा पत्र को पढ़ के फेंक रहा हूं, और वहां बाहर लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, नारे लग रहे हैं, जनरल डायर गो बैक, जनरल डायर गो बैक। नया जनरल डायर पैदा हुआ है, उस जनरल डायर की रिकॉर्डिंग लेके आया हूं इस सदन के अंदर में, आज उस रिकॉर्डिंग को भी आज से सदन के अंदर चलाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो अभी बोला इन्होंने, पंजाब में ऐसा हो रहा है, दिल्ली में ऐसा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहता हूं, अपनी घटिया राजनीति के लिए पंजाब की बहन और बेटियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें भारतीय जनता पार्टी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये सोचते हैं कि पूरे के पूरे पंजाब को बदनाम कर देंगे, पंजाब के कार्यकर्ताओं को, पंजाब की महिलाओं को, पंजाब की बेटियों को, ये हो गया वो हो गया यहां स्कैंडल हो रहा है, देश नहीं माफ करेगा और पंजाब नहीं माफ करेगा। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए, और सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट में आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ
to inaugurate the Hill Garden project. And upon its completion, it was the time when he was introduced to an architect. उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है. शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस हैड बिगन टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विच शी कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर. शी फर्दर मेंशन्ड दैट शी वाज प्लानिंग टू मीट द चीफ मिनिस्टर. उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के. और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, फॉलोइंग मॉर्निंग एट द साइट ऑफ शरद उत्सव एट अप्रोक्सीमेटली 7 AM, द पेटिशनर वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ श्री मोदी व्हेन मिस अराइव्ड एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन देम अश्योर्ड द पेटिशनर दैट श्री मोदी एंड मिस वर इन फैक्ट एक्सचेंजिंग पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस ईमेल्स एंड और डायरेक्ट कन्वर्सेशन. और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है, वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग्स वॉकिंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली. बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे. यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए. अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे. सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2006 एट अप्रोक्सीमेटली 5 PM मिस कॉल द पेटिशनर एंड कन्वेड दैट शी हैड जस्ट लैंडेड इन अहमदाबाद एंड वॉज प्लानिंग टू विजिट भूज. शाम को 5 बजे वो अहमदाबाद में उतरती है फ्लाइट से, इस IAS ऑफिसर को फोन करती है कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भूज जाने वाली हूं. लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है. 2 days later, at approximately 11 AM, Miss called the petition and conveyed that she was at the residence of Shri Modi ji. 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था. When she landed at Ahmedabad Airport, she was received by Shri O.P. Singh, Shri Modi's deputy, and was escorted in a vehicle to Chief Minister's residence. Modi ji ke deputy O.P. Singh unko lene aate hain airport mein, apni gaadi mein bithate hain aur seedhe Modi ji ke ghar leke jaate hain. Aur kaise leke jaate hain? She was advised to switch off her cell phone. So kehte hain apna phone band kar lo. And entered the Chief Minister's residence through rear door. कहते सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे. कहते उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में बैठा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है. और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम. उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यही रहना होगा. अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्यौहार था अगले दिन, बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए. उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी. श्री मोदी अटेंडेंट टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स. बस थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए. ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है. शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन. वो कहते हैं मेरी तबियत खराब है, किसी डॉक्टर को बुला दो. तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे, मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल. डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पे आई हो. और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगले बार उसको कार से भेजा जाता है. इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चेन नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और SMS करने का सिलसिला जारी रखते हैं. पेटिशनर फाउंड द शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद श्री मोदी हु वॉज अब्रॉड एंड प्रोबेबली इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम. शी ऑल्सो कन्वेड टू द पेटिशनर दट श्री मोदी आस्क्ड हर अबाउट द पेटिशनर ऑफ हिज रूटीन एंड हैबिट एंड वेदर द पेटिशनर न्यू अबाउट द रिलेशनशिप दे शेयर्ड. इन वन कन्वर्सेशन मिस showed the petitioner a text message that the chief minister has sent her from abroad.
और खास तौर पे इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, इस पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं, और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ। यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई, और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। और अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक है विजेंद्र गुप्ता जी को, आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं इस विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में इस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं, और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है, और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है, केवल पुलिस नहीं वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंगल 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था, और इसमें सिंगल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। इसमें अमित शाह जी सिंगल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात कह रही है, और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए आगे के लिए। वो लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है, और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़ गया कहूँ जो एक मिनट एक्सटेंड करा बस।
સાથે ખાતરી કરેલો સર. જે જી હા સર, બધી મોટો ફોન છે જે મહેમાન અંદર अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो, वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है, जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं, और ये अमित शाह बोल रहे हैं, उस वक्त वहां गृहमंत्री, यानी गृहमंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए, साउथ अफ्रीका में जाके भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से, और आज नहीं मालूम ये लड़की कहां, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां, और मैं ये कहता हूं ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृहमंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, फिर उसका कोई चरित्र नहीं है। आज भाजपा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड, राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा, कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली, 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। वो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, आम आदमी पार्टी में तो देर भी नहीं है, मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे हम में से सबको मालूम है, एक गलती करेंगे गलती की माफी नहीं है यहां पर, लेकिन इसका क्या, जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इस सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, एक सीडी संदीप कुमार की 15 मिनट में फैसला हो गया, एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है। मेरे को लगता है कि, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं विधानसभा के रिकॉर्ड में देना चाहूंगा ये एफिडेविट और रिकॉर्डिंग, और मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और आज का दिन रिकॉर्ड में रहे कि जब राजनीतिक शुचिता की, पवित्रता की, नेताओं के चरित्र की चर्चा हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। तो बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है आज पूरे देश दिल्ली की विधानसभा के माध्यम से ये जान जाएगा कि चरित्र के मामले में और राजनीतिक सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, भाजपा कहां खड़ी है, मोदी जी कहां खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। बहुत बहुत